अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान प्रोजेक्ट का पहला वीडियो है। इस प्रोजेक्ट में हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ में उर्दू लिखना और पढ़ना भी सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तान प्रोजेक्ट तारुफ एक, द पाकिस्तान प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन वन। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसके चार बड़े हिस्से हैं। इन चार बड़े हिस्सों को सूबे कहते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे हिस्से भी हैं। पाकिस्तान के सूबों के नाम ये हैं: सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान। आबादी के लिहाज से पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, मगर यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में कई जुबानें बोली जाती हैं, मगर उर्दू तकरीबन हर कोई समझ लेता है। शहरों में रहने वाले बाज लोग तो अंग्रेजी भी समझ लेते हैं। अब हम चंद एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे। सबसे पहला काम जो मैं चाहता हूँ आप करें वो ये है कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देखें। और इसके आठ मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन इस वक्त आपने सिर्फ जो चार बड़े हिस्से हैं ना, जो एक पीले रंग का है, एक गुलाबी रंग का है, एक सब्ज़ रंग में है यहाँ, और एक नारंगी रंग में है। इनके नाम आपने ढूंढ के मेरे लिए लिखने हैं कि कौन सा इनमें से कौन सा सूबा है। ठीक, ये आपका पहला काम। दूसरा काम जो मैं चाहता हूँ आप वो ये करेंगे कि ये जो 10 अल्फाज हैं इनकी मदद से आपने एक टेबल बनाना है। ऐसा मैं आपको बताऊँ कि टेबल कैसे आप बनाएंगे। आप अपनी कापी पे या जो आप कागज़ जिस पर आप काम कर रहे हैं, 3A 2 3 बराबर कॉलम बनाएं। इधर लिखें आप उर्दू, यहाँ लिखें अलहदा और यहाँ लिखें अंग्रेज़ी। और उसके बाद आपने पहले जो कॉलम है उसमें ये 10 अल्फाज लिखने हैं: पाकिस्तान, सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, आबादी, लोग, बड़ा। फिर आपने यहाँ से इनके हिज्जे ढूंढने हैं कि पाकिस्तान कौन सा है और सूबा कौन सा है। जब आपने ये कर लिया, दूसरे कॉलम में लिखेंगे और जो तीसरा कॉलम है उसमें आपने ये अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं ये अल्फाज, इन्हें लिखने हैं: पॉपुलेशन, पंजाब, खैबर पाकिस्तान, सिंध, पीपल, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, प्रोविंस एंड बेग। राइट, तो ये मैंने आपके लिए दोबारा यहाँ सारी हदायत लिख दी हैं। आप अपने वीडियो को पॉज करके तो अपना टेबल बना सकते हैं। और ये मैंने एक मुकम्मल टेबल आपके लिए बना दिया है। आप इसे देखें। पहले कॉलम में आपने उर्दू में लिखे होने थे, दूसरे में आपने अलहदा हरूफ में और तीसरे में अंग्रेज़ी में। इतने काम को चेक करें। जब आपने चेक कर लिया है काम, तो फिर आप अगली मश्क पे काम करेंगे। तीसरी मश्क आपकी ये है कि आपने ये जो 1 2 3 4 5 अल्फाज हैं इनको आपने अपने उर्दू जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। सिंध, बलूचिस्तान, आबादी, लोग, बड़ा। आप कह सकते हैं कि सिंध पाकिस्तान के जनूब में है, या आप ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ठीक, ये था आपका तीसरा काम। नाउ चौथा और आखिरी काम आपका ये है कि आपने ये जो अभी पैराग्राफ पढ़ा पाकिस्तान के बारे में, इसको आपने अंग्रेज़ी में तर्जमा करना है। इब्तदा इसकी मैंने आपने कर दी है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ ए वेरी बिग कंट्री, इट हैज़ 4 बिग पार्ट्स, और बाकी के हिस्से को आप ट्रांसलेट करें। आपने कर लिया तो आपका इस वीडियो का काम मुकम्मल हो गया। शुक्रिया। इफ़ यू फाइंडिंग द उर्दू इंस्ट्रक्शंस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डोंट वरी अबाउट इट। यू कैन गो टू माई चैनल उर्दू फॉर ऑल एंड यू कैन वॉच द सिमिलर वीडियो विद इंग्लिश ट्रांसलेशन एज वेल। एंड व्हाइल यू हियर,
Don't forget to subscribe my channel. For now, goodbye and Allah Hafiz.